अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोहर साना व्लॉग विद वेरी गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट कर रही हूँ मज़े से यम्मी सा ब्रेकफास्ट हलवा पूरी और बच्चों की फरमाइश पे। और जैसे सीज़न चल रहा है यहाँ पे मानसून और बारिशें हो रही हैं, बारिशों में सुबह टाइम अच्छा सा नाश्ता हो जाए तो फिर क्या ही बात है। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक करे सब ऐसे ही हंसते रहें। और यहाँ पे मैं जी क्लीन कर रही हूँ मैंगो वाश करके फ्रिज में मैं कुछ फ्रीज कर रही हूँ और कुछ फ्रिज में रख रही हूँ। और साथ ही जैसे मेरी तबीयत ठीक हुई और क्लीनिंग कर रही थी कुछ फर्नीचर और ये टेबल और सब कुछ, तो मैंने कहा चलें आपके साथ कुछ बातें करती हूँ और साथ क्लीनिंग करती हूँ। सेहत की बात कर रही थी, सेहत बहुत बड़ी नेमत है इंसान की। ये तब पता चलता है जब इंसान बीमार हो, तभी वो कहता है कि सेहत बहुत बढ़ने का। तो उससे पहले भी हमें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और सम टाइम जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल में मैं जब जाऊँ तो मैं कहती हूँ मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ऐसी ये वो मैं ही हूँ ये, लेकिन जब मैं दूसरे लोगों को अपने से मतलब नीचे ज़्यादा लोगों को बीमार देखती हूँ तो मुझे फील होता है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे, उनके सदके हमें भी सेहत दे। तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है। और पढ़ते थे बचपन में कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और वाकई ही यही बात है। और अपने लिए, सबके लिए, दूसरों के लिए स्पेशली दुआएँ किया करें कि अल्लाह पाक जितनी ज़िंदगी दे सेहत वाली दे। और क्लीन कर रही थी साथ साथ मैंने कहा बातें करूं, टेबल काफ़ी मतलब डस्ट आ गई थी। जब तक तबीयत नासाज हो मेरी तो फिर ये चीज़ें सब रह ही जाती हैं, और डस्ट तो बहुत ज़्यादा वैसे भी पाकिस्तान में तो है ही। तो मैंने यहाँ अपनी शीशा की टेबल साफ़ कर रही थी, साथ ही गुलदान सब पे बहुत डस्ट आई हुई थी। तो मैंने सोचा आज का एक दिन ऐसा निकालूँ कि सबको क्लीन कर दूँ। और मैं ये इसके ऊपर मतलब ये एक लकड़ी का है और उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है कपड़े का, ही है शनील का आई थिंक, तो ये फिर वेलवेट शनील ही थी। तो उससे मैं टिश्यू से शावर के साथ मैं स्प्रे कर रही थी और काफ़ी अच्छा और नीट क्लीन हो गया था ये भी और मेरी टेबल भी। बात कर रही थी सेहत की, सेहत बहुत बड़ी नेमत है और वाकई बहुत बड़ी नेमत है। और मैं नमाज में भी वैसे भी अपने लिए तो करती हूँ, लेकिन दूसरों के लिए कहती हूँ अल्लाह पाक सेहत दे सबको। और ये जो हम कहते हैं, हम बहुत नाशुक्री शायद करते हैं, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम शुक्र अदा नहीं कर पाते अल्लाह के आगे। मैं कहती हूँ एक एक जो सांस ले रहे हैं ना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और हॉस्पिटलों में जाएँ तो लोग ऑक्सीजन पर सांस ले रहे होते हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और अपने लिए भी दुआएं किया करें, दूसरों के लिए भी, और मुझे भी साथ याद रखा करें दुआओं में। तो यहाँ पे जी ये रूम में, डाइनिंग रूम में फ्रेम लगा हुआ था, ड्राइंग रूम में था और इस मतलब शीशे का था, और इस पर भी काफ़ी डस्ट आई हुई थी। ये भी मैं स्प्रे करके साफ़ कर रही थी, ये मैं खुद ही लगी हुई हूँ। और साफ़ करने के बाद काफ़ी अच्छा नीट क्लीन हो गया था, और माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। क्लीनिंग साथ साथ हाउस क्लीन औरतें करती ही रहती हैं, और मैंने भी आज मैं ठीक हो गई थी तो मैंने भी सोचा था क्यों ना जो भी आया उसे क्लीन कर दूँ। और सारे कुछ डेकोरेशन पीसेस थे उन पर भी डस्ट थी, जहाँ जहाँ मैं नज़र जा रही थी मैं सबको क्लीन और नीट कर रही थी। ये भी काफ़ी मेरे फेवरेट हैं छोटे छोटे, और बहुत मतलब यूनिक प्यारे से और एक्सपेंसिव मेरे डेकोरेशन पीसेज हैं। बहुत से तो बच्चों ने तोड़ भी दिए हुए हैं, तो उनकी जगह मैं काफ़ी ला के रखे हुए थे। और ये भी बहुत प्यारी एक बॉटल है, इसके अंदर कलर ऐड है और शीशे की, इसको भी मैंने सोचा चलो डस्ट है इस पर भी ये भी नीट क्लीन हो जाए। और आप सुनाए सब कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली सब मेंबर। डेकोरेशन पीसेस वॉल पे, घर में छोटे छोटे जगहों पे, कॉर्नर पे अच्छे लगते हैं। और ये भी बहुत मेरा फेवरेट्स है एलोवेरा,
जेल का ये प्लांट छोटा सा डेकोरेशन पीस है तो आर्टिफिशियल, लेकिन समटाइम ऐसे लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल नहीं है। तो डस्ट जैसे कि बता रही थी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और नीट क्लीन आपको करना ही पड़ता है। मंथ में, वीकली तो नहीं कर सकते, मंथ में एक दफ़ा ज़रूर आप ये क्लीन नीट घर से ये डस्ट वगैरह साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रही थी मैं ये पेंटिंग और देख रही थी ये भी डस्ट आई है कि नहीं, लेकिन इन्हें मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ था और अच्छी लग रही थी ये भी वॉल के ऊपर। और यहाँ पे मेरा ये था झूला स्टैंड और इस पर भी काफ़ी डस्ट थी। तो तबीयत नासाजी की वजह से डस्ट रह जाती है, तो डस्ट वैसे भी खुद ही करनी पड़ती है, आप चाहे काम वाली भी हों, लेकिन उन्होंने मतलब मेरे ख्याल ऊपर ऊपर से ही करती हैं मोस्टली, सबको ही पता होगा जो इनके घरों में काम वाली हैं। जब तक इंसान खुद ना करे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुतमिन हो सकता है या वो वैसा काम कर सकती है जिस नज़र से हम अपने घर को देख रही होती हैं। खैर, खुद से अपने हाथों से करने से जो सुकून मिलता है ना औरत को, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई दूसरा करे तो वो मिलेगा, आप मुतमिन नहीं होते। और यहाँ पे इसे मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी डस्ट साफ़ की है, काफ़ी ऊंचाई पे था, हाइट काफ़ी अच्छी थी। और इनको भी चेक कर रही थी, बैक पे लगे हुए थे, इन पे भी काफ़ी डस्ट थी और इन पे भी मैंने स्प्रे किया और उसके बाद मैंने टॉवल से साफ़ कर रही थी इनको। जिस दिन हाउस क्लीन हो जाए ना तो अक्सर मैंने ये भी देखा है उसी दिन बारिश या आंधी वगैरह आ जाती है, और सम टाइम होता भी ऐसे ही है, आज भी बादल बने हुए थे लेकिन शुक्र बारिश वगैरह और ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर बारिश हो भी जाए ना तो हब टाइप मौसम हो जाता है और ज़्यादा ऐसे गर्मी। तो फिर मैंने आज जैसे टॉपिक था क्लीनिंग हाउस, तो मैंने जो नज़र आया वो मैंने क्लीन किया, काफ़ी दिनों से नहीं कर पा रही थी तो डन कर दिया मैंने। और यहाँ पे लैपटॉप पे देख रही है जी जायशा, और बच्चों का यही काम है, और खाने के साथ उन्होंने मोबाइल और ये लैपटॉप देखना है और खाने पे ध्यान कम देना है उन्होंने। और क्लीनिंग के बाद शाम की चाय, थकावट सी हो गई थी, और छोटे से स्नैक्स साथ बिस्किट, और मैं लाजमी रात टाइम खाने के बाद थोड़ी देर बाद चाय हाफ कप लेने के बाद मैं मीठा मतलब स्नैक वगैरह बिस्किट जो भी हो थोड़ा सा साथ लाजमी लेती हूँ। और यहाँ पे अब्दुल्ला लगा हुआ है, अब्दुल्ला की बस ऐसे ही आगे पीछे। बताइएगा कैसा लगा आज का व्लॉग, काफ़ी अरसे बाद डाला है मैंने, तो आई होप यू इन्जॉय।